नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। आगरा में आए दिनों दबंगों का आतंक देखने को मिलता है। एक बार फिर दबंगों का मामला सामने आया, जिसमें दबंगों ने खेत से लौट रहे स्विफ्ट कार ड्राइवर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या की है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में स्टील फर्नीचर के 4 मंजिल शोरूम गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शोरूम में 50 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। श्रावस्ती के सोनवास क्षेत्र में चारपहिया वाहन से आ रहे 5 बदमाश असलाह लहराते हुए घर में घुसकर किशोरी को उठा ले गए। वही विरोध करने पर बदमाशों ने बहन को मारपीट कर घायल कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आरोपी फरार हो गए। वहीं किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गौतम नगर में नाइट कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोग धड़ल्ले से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थलों पर शराब पी रहे हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराने के लिए पुलिस वालों का सार्वजनिक स्थानों पर पैदल मार्च कर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले करीब 434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शाहजहापुर में तिलहर क्षेत्र में दिल्ली से शाहजहापुर की ओर आ रही बस अनियंत्रित होकर चाय की दुकानों में जा घुसी। बस की टक्कर से दुकानों के परखच्चे उड़ गए। वहीं चाय की दुकान पर चाय पीने वाले 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज कराया जा रहा है। 5 व्यक्ति की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कैंसर के रोग से पीड़ित मां को लेकर इलाज के लिए आजमगढ़ से आए बेटे विशाल कैंसर अस्पताल से कैंट के लिए रवाना हुआ, तो जल्दबाजी में ही ऑटो में उसका बैग छूट गया, जिसमें दवाओं सहित तमाम चीजें थी। आनंद फानन में अपनी बूढ़ी मां के साथ बेटे विशाल ने रोडवेज चौकी पर जाकर चौकी प्रभारी को मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी मोहम्मद सुफियान खान ने अपने सहयोगी SI अनंत कुमार मिश्र के साथ कैमरे की फुटेज के जरिए ऑटो में बैग बरामद कर बेटे को बैग वापस सौंप दिया है। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं जब ग्रामीणों ने खेत में पेड़ से लटके युवक युवती के शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SPCT CO थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मनीष कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार परिवार में मृतक की पत्नी समेत एक बेटा और एक बेटी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर में सोशल मीडिया पर एक पिटाई का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो किरतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें गांव में छेड़खानी को लेकर गांव के पंचों ने फैसला सुनाते हुए एक युवक की जूते चप्पल और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में चलती कार की खिड़की खुल गई, जिसमें 2 युवक बीच रोड पर कार से नीचे गिर गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनंद फानन में परिजनों ने दोनों घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी होते ही घायल युवकों के पिता ने बताया कि अपने परिवार के साथ बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए थे। दर्शन करने गोवर्धन के दर्शन के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में ये घटना हुई। हरदोई के पश्चदेवरा थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिता पुत्र शाहजहापुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि गन्ने की फसल में करंट दौड़ रहा था, इसी वजह से फसल काटने आए पिता पुत्र करंट की चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में यशोदानगर उपासना गेस्ट हाउस में खुलेआम शराब की खरीद फरीद हो रही थी। वहीं ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं जब इसकी सूचना आबकारी क्षेत्र प्रभारी मधुसूदन शुक्ला को दी गई तो कार्रवाई करने के बजाय मधुसूदन शुक्ला गेस्ट हाउस संचालक का पक्ष लेते नजर आए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।